आज दिनांक 24/9/2023 को स्वाट टीम, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना कोपागंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें क्षेत्र की चेकिंग और देखभाल के दौरान काचीकला अंडरपास के नीचे मुखबिर की सूचना के आधार पर एक स्विफ्ट कार को चेक किया गया, जिसमें तीन व्यक्ति जिनका नाम अंकुर बिन उर्फ रवि पुत्र रामकृत निवासी हाटा थाना यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, सुरेंद्र सागर सिंह सोनकर उर्फ रविंद्र पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी तकिया थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र और कुणाल यादव पुत्र गर्जू यादव निवासी कांदर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर, तीन लोग थे। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी की तलाशी के दौरान प्लास्टिक के तीन झोले, जिसमें 14,11,000 रुपये मूल्य के फर्जी नोट और 1,17,400 मूल्य के असली नोट, एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक प्रीमियम क्वालिटी की प्रिंटर मशीन, तीन रिम पेपर व अन्य सामान तथा 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये लोग अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करके नकली नोट बनाते थे और उन्हें असली नोटों से विभिन्न जनपदों में, आसपास के जनपदों में जाकर, विभिन्न जनपदों में जाकर असली नोट से उनको परिवर्तित करते थे। जो ये असली नोट जो बरामद हैं, ये इसी नकली नोट को बदल कर प्राप्त किए गए हैं और ये एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और बड़ी संख्या में 14,11,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं और इस लिहाज से भी बहुत बड़ी सफलता है कि ये अगर ये लोग पकड़े न जाते तो एक तरह से हमारी जो करेंसी है उसको बहुत बड़ा नुकसान ये पहुंचाते और देश को भी आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते। ये काची कला अंडर पास है, उसके नीचे चेकिंग के दौरान ये लोग पकड़े गए। ये इनका इरादा गोरखपुर जाने का था और वहीं इनको नोटों को बदलने का इरादा था। अभी इस बारे में जांच की जा रही है और विवेचना के दौरान जो जो तथ्य सामने आएंगे उनको भी अपनी विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी जानकारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सामान है ये कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जो इनके पास जो सामान है। ये आज आज अर्ली मॉर्निंग की बात, अर्ली मॉर्निंग नहीं, डाई बरामद नहीं है। ये तीन नाम है, जो तीन व्यक्ति हैं, जो अंकुर कुमार बिंद है, सुरेंद्र सागर सिंह है और कुणाल यादव है। तीनों लोग हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और उसका इस्तेमाल करके ये एक तरह से जो सामान इनसे बरामद है इसकी मदद से नकली नोट बना रहे हैं। अभी इसके बारे में जांच की जा रही है, संपूर्ण विभाग जांच की जाएगी। ये नोट हैं, 500 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो इस तरीके के नोट ही बना रहे हैं।